ये है वक्त मीडिया। मेरठ के इल्मी व अदबी कस्बे अजराड़ा में 24 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम एकता ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद किया गया। सरपरस्त मुशायरा हाजी असद गुलजार, सदर मुशायरा रहे हाजी अब्दुल सलाम, नायब सदर रहे हाजी इश्तियाक, मेहमानान खुसूसी रहे डॉक्टर नासिर शिव शांति हॉस्पिटल और खुर्शीद चौधरी। इफ्तिताह किया कल्लू पंडित ने। शमा रोशन की गांव के हरदिल अजीज प्रधान जी जुल्फिकार और जावेद त्यागी किठोर ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे हैंडसम बॉय मोहम्मद जावेद चौधरी। को कन्वीनर रहे आसिफ चौधरी टाटा। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे अदब नवाज शख्सियत असलम बाबा। सेक्रेटरी रहे इमरान वहाब और खजांची रहे शाहरुख चौधरी। और मुशायरे की खूबसूरत निजामत रियाज सागर ने फरमाई। जहाज देवबंदी के इस कलाम के बाद शुक्रिया भी मेरे खुदा का है, एक झोंका अभी हवा का है। शुक्रिया भी मेरे खुदा का है, एक झोंका अभी हवा का है। एक गजल सामने हो एक लब पर, आज मौसम इसी अदा का है। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम दी जाए पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में। सामईन के दिलों की धड़कनों पर हुकूमत करने वाली उस शायरा को जिसने अपनी उम्र से ज्यादा शोहरत हासिल की है, जो अपने कलाम की नुदरत शगुफ्तगी और लहजे की शाइस्तगी से आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देती हुई रूह की गहराइयों में उतर जाएगी, वो आवाज है मोहतरमा मेहनाज सिहारवी की, जिन्होंने नाते कौमी एकता के गीत से इस मुशायरे का आगाज किया था। मैं इन अशार के साथ के फसलों की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे न रहे, और तुम्ही हो रौनक महफिल, तुम अब तो आ जाओ कि फिर ये रात ये रंगी फजा रहे न रहे। आप हजार जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें, तालियां भरपूर होनी चाहिए भाई, ये पीछे वाले लोग शायद इनको ठंड लग रही है। आइए मोहतरमा मेहनत से अर्जी अपने कलाम सलाम कलाम। देखिए हजरत, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जुल्फकार प्रधान जी को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया। बहुत ही खूबसूरत निजामत रियाज सागर साहब की गजल से पहले चार मिसरे आपकी अदालत में रखती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जिस शख्स के दिल में न हो कुरान की अजमत, जिस शख्स के दिल में न हो कुरान की अजमत, वो शख्स जिस शख्स के दिल में न हो कुरान की अजमत, वो शख्स जमाने में परेशान रहेगा। कतरा के गुजर जाएंगे मगरूर हवाए, कतरा के गुजर जाएंगे मगरूर हवाए, कायम जो सोलों पर मुसलमान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत नवाजिश। मैं यहीं से गजल का मतला दो तीन शेर पेश करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, हमें जानती हूँ कि अजराड़ा की सरजमीन पर अच्छे शेरों की हिफाजत की जाती है। मतलब पेश करती हूँ बतौर खास, समाप्त कीजिएगा। यहाँ पर कुछ नौजवान दोस्त भी तशरीफ रखते हैं, मैं पढ़ती हूँ गजल, समाप्त कीजिएगा। जब कभी वो मेरे कूचे से गुजर जाता है, जब कभी वो मेरे कूचे से गुजर जाता है, जब कभी वो जब कभी वो मेरे
बहुत शुक्रिया। नूर ही नूर फजाओं में बिखर जाता है, और इस शेर भी बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि नींद आंखों से कहीं दूर चली बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर खास समाप्त कीजिएगा, स्टेज से तवज्जो चाहती हूँ, बतौर खास समाप्त कीजिएगा कि उसको इज्जत की। यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे दुआएं चाहती हूँ, शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि उसको इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, उसको इज्जत की उसको इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। जब किसी कौम का शीरा बिखर जाता है, जब किसी कौम का शीरा बिखर जाता है। और या साहब ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, आपसे दुआएं चाहती हूँ कि कितना मुश्किल है सदाकत की हिमायत करना, कितना मुश्किल है कितना मुश्किल है सदाकत की हिमायत करना। हक की आवाज उठाते हैं तो सर जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद महाराज तिवारी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई शेर के लिए, अपनी बेदानी का सबूत है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं प्रधान साहब की, उन्होंने हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि ये भी आजमत मेरे आका को मिली है वरना, समाप्त कीजिएगा देखा कि ये भी आजमत मेरे आका को मिली है वरना, ये भी आजमत मेरे ये भी आजमत मेरे आका को मिली है वरना। अर्श आजम पे कहां कोई बशर जा, बहुत शुक्रिया। अर्श आजम पे कहां कोई बशर जाता है। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ, इस मक्ते के साथ आप लोगों को दिल्ली की तरफ लेके चलती हूँ, समाप्त कीजिएगा, दिल्ली दरबार को नजर में रखें कि नाज उस पर मैं भला कैसे भरोसा कर लूं। रिया साहब, नाज उस पर में नाज उस पर में भला कैसे भरोसा कर लूं, वादा करता है मगर पल में मुकर जा गया, सारा पानी छूकर होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों को भी शराबी कर गया, और वो क्या गया के दरो बाम हो गए तारीख। मैं उसकी आंख से अपने घर के घर का दिया जलाती थी, ये मैं उनकी तरफ से कह गया शेर, लेकिन मैं फदा को मजीद रंगीन और खुशगवार बनाने के लिए